अभी आप यहाँ पे इसका जो काम देख पा रहे हो, काम किससे रिलेटेड है? इसका जो काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जो भी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे ब्रिज बनाना है, उसके स्टील के स्ट्रक्चर है वो उसका है, फिर इसके जो रोलिंग स्टॉक्स है उसका है, हाइड्रोलिक जो मशीन होती है, हाइड्रो मशीन वगैरह इक्विपमेंट, फिर स्टील कास्टिंग वगैरह, इन सब का ये कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करती है। और इस कंपनी का आप आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही अच्छा एक आपको प्रोग्रेस दिख सकता है, क्योंकि रेलवे सेक्टर आप जानते हो आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे प्रोग्रेस करते हुए दिख सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर अच्छा खासा फोकस दिया जा रहा है। तो आने वाले 8 से 10 साल के अंदर ये जो सेक्टर है वो आपको यहाँ से ग्रोइंग करते हुए दिखाई दे सकता है। अब इसका जो प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस, वो लगभग 188 रुपीज के पास चल रहा है। और आज के दिन, जिस दिन मैं आपका ये वीडियोस बना रहा हूँ, उस दिन के इसका प्राइस में 5.338, यानी कि लगभग 5.5% ये आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। यानी आज ही स्टॉक्स इतना चला है, ये न्यूज के दम पे चला है। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के पूरे फंडामेंटल हम देखेंगे और उसके बाद हम टेक्निकल देखेंगे। देखिए, फंडामेंटल देखने का एक ही रीजन है कि क्योंकि फंडामेंटली अगर बेटर होगा तो ही स्टॉक्स ऊपर सस्टेन कर पाएगा। अगर फंडामेंटल कमजोर होगा तो स्टॉक्स ऊपर जाने के बाद वापस नीचे चला आता है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक्स है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि ये कंपनी में कितना पोटेंशियल है और आने वाले टाइम के अंदर इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट रहने वाले हैं। चलिए, तो अभी यहाँ पे मेरा एक ही डिस्क्लेमर है कि किसी भी स्टॉक में मेरा बाई या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो एजुकेशन के पर्पज से मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूँ, इस स्टॉक में मेरा कोई आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ये स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे खरीदें और आप अपना रिसर्च जरूर करें। सबसे पहले अगर हम इसके बात करें यहाँ पे मार्केट कैप की, तो 7,500 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। वहीं पे अभी के प्राइस की बात करें तो 188 रुपीज का आपको ये प्राइस दिखाई दे रहा है। उसी के साथ में स्टॉक पीके की बात करें तो 66 का है, और इंडस्ट्री पीके अगर बात करें तो 41 का आपको दिखाई दे रहा है। डिविडेंड कंपनी थोड़ा बहुत देती है, लगभग ना के बराबर ही डिविडेंड देती है, पर आरओआईसी की बात करें तो आपको 13 का और लगभग 8 का दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम डेप्थ की बात करें तो कंपनी का डेप्थ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये रेशियो हमें 1 के नीचे चाहिए, तो आपको 1 के नीचे दिखाई दे रहा है। प्लेज की बात करें तो कंपनी ने किसी भी प्रकार का कोई भी प्लेज रखा हुआ नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 48% के ऊपर लगभग प्रमोटर का होल्डिंग दिख रहा है, जो कि एक गुड साइन माना जाता है। सो ओवरऑल रेशियो तो हमें कंपनी के अच्छे लग रहे हैं। अब सीधा सीधा हम यहाँ से इसका देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट और फिर देखेंगे वाई एंड वाई रिजल्ट। दोनों रिजल्ट को चेक करने से पता चलेगा कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से देखें तो 805 करोड़ का सेल्स था, वो बढ़कर आपका 896 करोड़ हो गया, और अभी के टाइम पे आपका ये बढ़कर 1,145 करोड़ हो गया। उसी की जगह अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 22 करोड़ से बढ़कर ये आपका हो गया 47 करोड़। ईपीएस की बात करें 0.68 से बढ़कर ये 1.18 का हो चुका है। सो यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो मार्च का रिजल्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार आते हुए दिखाई दिया है। अब हम बात करेंगे कंपनी के वाई एंड वाई रिजल्ट पे, जिससे पता चलेगा ईयर टू ईयर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो 2021 अगर हम देखें तो 1,690 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, वो बढ़कर हो गया 1,800 करोड़, और वहां से बढ़कर हो गया 2,600 करोड़, और अभी के टाइम पे बढ़कर हो गया ये आपका 3,500 करोड़। तो लगातार आप देख लीजिए इसका सेल्स इंक्रीज मोड में दिख रहा है। वहीं पे अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 करोड़ से बढ़कर ये आपका 113 करोड़ हो गया। देखिए, 12 करोड़ था ओनली फॉर 2021 के अंदर, और वहां से 24 के अंदर लगभग 3 साल के अंदर आप देख लीजिए 113 करोड़ हो गया। तो इस हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर यहाँ से 3 से 4 साल के बाद इसका पोटेंशियल कितना होगा और इसका प्रॉफिट कितना ग्रोइंग कर सकता है, आप इसी से एक अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं पे ईपीएस की बात करें तो अच्छा खासा जंप है, आपको लगभग 3 के पास ईपीएस चला गया है। इसीलिए क्वार्टरली रिजल्ट और वाई रिजल्ट दोनों बेसिस पे कंपनी आपको अच्छी दिख रही है। अब हम बात करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट पे अगर हम आते हैं तो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो टेक बुक आपको स्टेबल दिख रहा है। रिजर्व की बात करें कंपनी का, तो कंपनी का रिजर्व लगातार ग्रोइंग मोड है। यहाँ पे आप देख लीजिए 1,000 करोड़ का इसका प्रॉफिट था 2020 के अंदर, वहां पे रिजर्व बढ़ के हो गया 1,100 करोड़, फिर 1,200 करोड़, 1,300 करोड़, 1,346 करोड़, लगातार कंपनी का रिजर्व है वो आपको ग्रोइंग मोड में दिख रहा है। वहीं पे अगर कंपनी का हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स की, तो वहां पे वो भी आपको ग्रोइंग दिख रहे हैं। टोटल एसेट्स की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे ग्रोइंग दिख रहे हैं। सो बैलेंस शीट भी कंपनी का मजबूत और अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें इन्वेस्टर पॉइंट के ऊपर, किसके पास कितना हिस्सा यहाँ पे अवेलेबल है। सो प्रमोटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास जो हिस्सा है वो आपको 48% का दिखाई दे रहा है, बट एफआईआई डीआईएस अपना हिस्सा इसके अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। आप यहाँ से देख लीजिए एफआईएस के पास ओनली 41% का हिस्सा था, जो बढ़ा के इन्होंने कर दिया 2% का, और फिर से बढ़ाकर यहाँ पे 2.30%, फिर यहाँ से बढ़ाकर हो गया सीधा 9%। देखिए, 2% से सीधा बढ़कर यहाँ पे 9% हो गया। सो एफआईआई ने जो हिस्सा बढ़ाया वो दिसंबर के अंदर ही अपना हिस्से को एक जंप के तौर पे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ाया है, और अभी वाले क्वार्टर के अंदर इन्होंने 11% कर दिया। सो कहीं ना कहीं एफआईआई का इंक्रीज करना स्टेक बताता है कंपनी के अंदर कुछ तो अच्छा इंटरनली हो रहा है। वहीं पे डीआईएस की बात करें तो आपका 6% का हिस्सा था, जो आपका बढ़कर लगभग 8.27% हो गया। तो अच्छा खासा लगभग लगभग 20% का हिस्सा तो एफआईआई डीआईएस के पास ही अवेलेबल है। वहीं पे अगर हम पब्लिक की बात करें तो लगभग 32 से 33% का हिस्सा पब्लिक के पास अवेलेबल है। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पूरा फंडामेंटल जो हमने यहाँ पे देखा है
तो ये हमें कंपनी का अच्छा लग रहा है। अभी कंपनी को मिला है एक बड़ा ऑर्डर, जो ऑर्डर आप यहाँ पे न्यूज में देख पा रहे हो कि इस कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो मिला है लगभग 1374 करोड़ का ऑर्डर। वो भी मिला किसकी तरफ से? रेलवेज की तरफ, इंडियन रेलवेज की तरफ से ये ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। इसके बारे में पूरी नॉलेज आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि ये जो ऑर्डर दिया गया है, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो लगभग 1374 करोड़ का ऑर्डर ये इनको मिला है। और किसकी तरफ से मिला है? ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से मिला है। उसमें मैन्युफैक्चर और सप्लाईज का काम है, जिसमें इनको वैगन्स बना के देने हैं। लगभग लगभग 3400 वैगन्स का ये ऑर्डर मिला है। तो इस हिसाब से इस कंपनी में बड़ा ऑर्डर भी मिला, और आने वाले टाइम के अंदर इसको लगातार यहाँ पे ऑर्डर मिल रहे हैं, और इन्हीं ऑर्डर के दम पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा दिख रहा है। और आने वाले टाइम के तरफ आपको ऐसे ही ऑर्डर आपको लगातार इन कंपनियों को मिलते हुए दिखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और सीधा सीधा कंपनी के चार्ट पे चलेंगे, और चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे बताएंगे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। अभी देखिए चार्ट पे मैं आपको एनालिसिस करने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, आप किसी भी स्टॉक्स को बाई करते हैं। देखिए हमारे पास एक छोटा सा पोर्टफोलियो होता है, और वो पोर्टफोलियो के अंदर मान लीजिए हमारा 50,000 का पोर्टफोलियो, या 1 लाख का पोर्टफोलियो, या 10 लाख का पोर्टफोलियो। अगर आपका 10,000 का पोर्टफोलियो भी है तो आप एक मल्टीपेकर स्टॉक्स को चुनने के लिए अवश्य सोचेंगे कि मेरे पास ऐसा कोई मल्टीपेकर स्टॉक्स होने चाहिए जो आने वाले टाइम के अंदर मुझे एक मल्टीपेकर रिटर्न बना के दे सके। तो क्या आपको पता है मल्टीपेकर स्टॉक्स को हम कैसे ढूंढते हैं, कैसे उस पर रिसर्च करते हैं, कैसे हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कैसे हम उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और उसको किस जगह पे हम बाइंग करते हैं? हम किसी भी जगह पे स्टॉक्स को बाइंग नहीं करते हैं, उसका एक करेक्ट लेवल आता है, वहां पे जाके हम बाई करते हैं, तब जाके हमें एक मल्टीपेकर रिटर्न यहाँ पे मिलता है। तो क्या आप ये सीखना चाहते हैं कि आपको ये स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपके इन स्टॉक्स के ऊपर आपको रिसर्च करनी है? अगर ये आप सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं आपके लिए लाया हूँ एक कोर्स। जो कोर्स आपका जो प्राइस है वो आपका यहाँ पे 600 रुपीज का प्राइस है, जो हमने बिल्कुल छोटा सा प्राइस रखा है, ओनली फॉर 600 का। अब ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो इसके अंदर हमें आपको बताया हुआ है कि किसी भी स्टॉक्स को पिकअप करते तो आपको क्या क्या रेशियोस देखने चाहिए और कहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए। तो अगर ये इसका लिंक मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे जाके आप इस पर क्लिक करके और ये आप सीधा सीधा यहाँ से बाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे हमें पेमेंट करेंगे आपका मेल हमें मिल जाएगा, और हम आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे आपके जीमेल आईडी के ऊपर। ठीक है, तो आप जैसे पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते ही आपको विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा आपके मेल आईडी के ऊपर। क्योंकि जब आप पेमेंट करोगे तो आपसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका नाम पूछा जाएगा। जो आपकी ईमेल आईडी आप दोगे उसी के ऊपर आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं और लाइफ टाइम ये एक्सेस आपके पास रहेगा। चलिए, तो अभी ये आपका हो गया कि जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए। अभी देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, 2015 के अंदर इसने हाई लगाया था, और अभी जाके इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे क्या दिया आपका? ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट के जो टाइमिंग है वो लगभग यहाँ पे आप देख लीजिए दिसंबर का टाइमिंग है, और दिसंबर के टाइमिंग के अंदर ही देखिए आप एफआईआई ने अपना हिस्सा बढ़ाया। देखिए दिसंबर के क्वार्टर के अंदर एफआईआई ने अपना हिस्सा यहाँ पे डबल किया है। देखिए यहाँ पे था लगभग 2.5% और यहाँ से सीधा हो गया लगभग 10%। तो ये स्टॉक्स में जो ब्रेकआउट आया है वो ब्रेकआउट आया यहाँ पे एफआईआई के बाइंग करने के बाद। अब ये ब्रेकआउट आने के बाद रिटेस्ट का काम भी हो चुका है। आप देख लीजिए रिटेस्ट इस कंपनी का पूरा पूरा क्लियरली हो चुका है, और यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं कि ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, इस स्टॉक्स को हमने ऑलरेडी रिटेस्ट के पास यहाँ पे बाई किया हुआ है, तो ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये मेरा डिस्क्लेमर। ठीक है, और यहाँ से स्टॉक्स के नीचे अगर हम देखें तो छोटा सा ऐसे अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर हम यहाँ पे देखें तो एक अच्छा खासा ये आपको स्टॉक्स यहाँ पे टारगेट बना के देगा। तो नेक्स्ट टारगेट हमारे यहाँ से निकल के आ रहा है वो लगभग 280 के पास यहाँ पे आपका नेक्स्ट टारगेट आएगा, और हमारे हिसाब से 300 के ऊपर भी ये जाने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपका यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है। अभी यहाँ पे वही डिस्क्लेमर है कि मेरा किसी भी स्टॉक्स में बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं तो आप अपना रिसर्च जरूर करें और अपने एनालिसिस से जरूर पूछ के आप सलाह दीजिए। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।